वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन। इसमें अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नीचे आइकन के नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे आपके अदर लैंग्वेज में आ रहे होंगे, जिससे आपको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसा आप आइकन देख के एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन उसको रीड करने में प्रॉब्लम होगी, फिर आप उसके अंदर जो ऑप्शन होंगे उसको रीड नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से प्रॉब्लम फेस हो रही होगी आपको। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। आपको जो है फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है, ये सेटिंग का आइकन है। ठीक है, आइकन सेम होता है, कोई लैंग्वेज चेंज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस आइकन पर टच कर दें आप। जब आइकन के आइकन पर टच करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप स्लाइड करके नीचे आएंगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन एक यहाँ भी मिलता है आपको ऊपर, तो यहाँ पे आप टच कर देंगे तो सेटिंग में आ जाएंगे। दोनों तरफ से आप कहीं से भी जो है सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। फिर आपको स्लाइड करके नीचे आना और सबसे नीचे आके आपको काउंट करना 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पे ये आपको ऑप्शन दिखेगा बॉक्स के अंदर, 3 लाइन वाला। इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है, 3 लाइन वाले बॉक्स पे। ये हमने टच कर दिया। फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपको उस वाले ऑप्शन पे टच करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ये हमने टच कर दिया। अगर यहाँ पे आपको 1 और 2 में लैंग्वेज शो हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से अभी कोई भी लैंग्वेज ले लेता हूँ, देखिए अभी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ये लैंग्वेज चेंज है। अगर ऐसे 1 और 2 में लैंग्वेज आ रही है तो आपको क्या करना है, जो आपका नीचे ऑप्शन जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है उस पर आपको बस टच करना है। जब आप टच कर देंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको उस वाले ऑप्शन पे टच करना है। ठीक है, बस इस पे टच करेंगे और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ एडिट का ऑप्शन होगा, जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दें। तो इस तरह से गाइस आपके फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।